अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सबा वसीम ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम बनाते हैं एग वेजिटेबल्स, एग ब्रेड वेजिटेबल्स। एग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। ब्रेड को मैंने लेके उसकी किनारी निकाल के इस तरीके से कटिंग किए हैं। बारीक चॉप किए प्याज, 1 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्ची ले लिया है, 2 से 3 टीस्पून बटर लिया है। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्ची थोड़ी ले लिया है, इसे लंबा लंबा कुछ इस तरीके से कटिंग किया। यहाँ पे मैंने ले लिया है कैबेज, देखिए इसे भी ऐसा लंबा लंबा काटना है। पत्ता गोभी ले लीजिए, इसे लंबा लंबा कटिंग करिए। यहाँ पर मैंने लिया है कोथमीर, यहाँ पर मायोनीज, 2 से 3 टेबल स्पून मायोनीज लिया है। यहाँ पे नमक ले लीजिए टेस्ट के हिसाब से, या 1/2 टीस्पून नमक। यहाँ पे काली मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। हल्दी ज़रा सी ली है मैंने, देख सकते हैं आप, और काली मिर्ची पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले हम अंडे में क्या क्या हमें डालना है देख लो। हम अंडे को फेंट लेते हैं। इसमें हम डालेंगे बारीक चौकी हुई प्याज, टमाटर, टमाटर हमें थोड़ा ही डालना है इसमें, हरी मिर्ची, हमारी कटन किया हुआ हरा धनिया, नमक डालेंगे हम, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर। अच्छे से इसे मिक्स कर लो चीज़ों को। अच्छी तरीके से अंडे को फेंट लेना है हमें। जब तक हम अंडा फेंट रहे हैं, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए अभी हम पैन रख लेते हैं गैस पे। यहाँ पे मैंने पैन गर्म करने रखा है। इसमें हमें डालना है बटर, हमें उसमें हमारी ऑमलेट डालना है, के बाद हमारा ये कटिंग किया हुआ ब्रेड डालना है इस तरीके से चारों तरफ। इनके हाथों से इस तरीके से दबाना है। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे हम ऊपर से वापस। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। हमें इसे पलटी करना है चारों तरफ से, आप निकाल लीजिए अच्छे से और बीच में से इसे पलटी कीजिए, हमारी ऑमलेट टूटने नहीं चाहिए। पलटी करके हमें गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। इस पर हम लगा लेंगे मायोनीज हमारी। अच्छी तरीके से चारों तरफ मायोनीज लगा लेना है। उसमें हमें बारीक चॉप की प्याज हमें इस तरीके से चारों तरफ लगाना है। हमारे टमाटो कटिंग किए हुए, हरा धनिया, हरी मिर्ची बारीक कटिंग किए हुए, ये हमें गोभी, पत्ता गोभी जो हमने बारीक कटिंग करके रखा था, शिमला मिर्ची कुछ इस तरीके से चारों तरफ। अब हमारी ये सारी चीज़ें डाल के हमें फोल्ड कर लेना है। बटर ऐड करना है हमें थोड़ा सा इसमें। ब्रेड हमारी अच्छी तरीके से लाल करना, ये देख
देखिए हमारी ऑमलेट रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल लीजिए। ये देखिए हमारी ऑमलेट रेडी हो चुकी है। ऊपर से थोड़ा सा बटर आप और लगा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, कमेंट में ज़रूर बताना मेरी ऑमलेट कैसी लगी।